हमारे को यकीन हो चला है कि महेंद्र का जो अधूरा सपना है ना, उसे पूरा करना थारे नसीब में लिखा है। कुश्ती है ना, ये उम्मीद की वो छोटी सी किरण हो सकती है जो तेरे वैवाहिक जीवन में अंधकार है ना, उसमें रोशनी ले। थारे इस कुश्ती की वजह से पूरे गांव भर में हमारा कितना मजाक बन रहा है, थारे को एहसास भी है जरा सा? पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा, छोड़ दियो कुश्ती, फेंक दे सारा सामान या कुएं में और बंद कर दे कुश्ती और बंद कर दे और तमाशा। ये पहलवानी की जो रात उन्हें चुनी है ना, इसमें एक के बाद एक रोड़े आएंगे। जितने घर वाले हैं ना, बात बात पे तुझे डराएंगे, तुझे रोकेंगे। थारे को मालूम है ना कि थारे लिए सही राह कौन सी है? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब इस मुश्किल से आप ही मन्ने बचा लो, विनती करती सू। कोमल, कोमल बेटा। बाबूजी, के समय हो गया? अरे छोरी, सुबह के 4 बज रहे हैं और तू यहाँ बैठी है। आंख लग गई, पता भी नहीं चला कि सुबह होगी। पर मारे को पता है कि तू इतनी रात तक यहां क्यों बैठी? कुश्ती छोड़ना चाहती है। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी नहीं बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।